हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सलोनी और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज है संडे यानी कि छुट्टी का दिन, और संडे के दिन सारे लोग छुट्टी मनाते हैं। जो भी ऑफिशियल लोग होते हैं वो लोग छुट्टी मनाते हैं, और संडे के दिन क्या बोल सकते हैं, संडे के दिन अच्छा खासा टाइम होता है आदमी के पास अपना स्किन केयर करने का, हेयर केयर करने का, या घूमने का, शॉपिंग करने का, क्योंकि उस दिन मार्केट में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। तो मेरे जैसे आलसी लोग संडे को ही जाते हैं मार्केट वगैरह करने के या शॉपिंग वगैरह करने के। सो गाइस, आज है संडे और मुझे कुछ कुछ शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ कुछ सामान वगैरह लेना, और कल है सोमवारी तो उसकी भी मुझे शॉपिंग करनी है। तो मैं संडे का ही वेट कर रही थी क्योंकि संडे के दिन मार्केट में बहुत कम भीड़ होता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जाना। सो गाइस, चलिए मैं अभी जाने वाली हूँ मार्केट, तो फिर मिलती हूँ मार्केट पहुँच के। मैं रेडी वेडी होती हूँ, फिर मिलती हूँ सीधा मार्केट तक पहुँच के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ऑलरेडी एक देर यहाँ बच चुका है, तो मुझे ज़्यादा लेट नहीं करना है। सो चलिए मिलती हूँ मार्केट पहुँच के, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरा काम जो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका है, और मुझे अभी याद आया कि मुझे और भी कुछ कुछ सामान लेना था, तो मैं कल्याणी की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा। तो मुझे रास्ते में यहाँ पे फ्लावर वगैरह दिख रहा था, मतलब फूल वगैरह था कल के पूजा के लिए, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं अभी ले लूँ, बिकॉज़ मैं मॉर्निंग में ही पूजा करती हूँ, तो फिर उस टाइम ना ये फूल वाले भैया उतने सुबह होते नहीं है, 5:30 के आसपास, तो मैं अभी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे सुबह पूजा करने के लिए जल्दी जाना होता है। तो मैं अभी सारा पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए होता है वो मैं अभी ले लेती हूँ। तो अभी हम यहाँ पे ले लिए हैं फूल, और इसके बाद अभी हम मुझे प्रसाद लेने जाना है। तो चलिए फिर मैं देखती हूँ कि प्रसाद में क्या क्या आइटम है, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर ले लेती हूँ यहाँ का प्रसाद, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे मुझे प्रसाद में लड्डू वगैरह दिखा है, तो मुझे स्पेशली मुझे यहाँ का लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल्याणी चौक पे, एग्जैक्ट कल्याणी चौक पे है एक शॉप, वहाँ पर आपको लड्डू बहुत अमेजिंग मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे अभी प्रसाद ले लिया है, उसके बाद मैं अभी और देखती हूँ कि मुझे क्या प्रसाद मिल जाता है। जस्ट मैं सामने है, फिर मुझे यहाँ पे केला दिखा, तो फिर मुझे केला भी बहुत फ्रेश लग रहा था, और प्रसाद के लिए केला भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा केला भी यहाँ से परचेज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे केला लेने के बाद जो है, और भी मुझे कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना है, तो वो सब भी मैं ले लेती हूँ एक ही बार। तो फिलहाल यहाँ पे मैं केला ले गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने फेवरेट जगह पे, यस बेस्ट्रो में। बेस्ट्रो इज माय फेवरेट प्लेस। तो चलिए मैं यहाँ पे लाई हूँ ननकी को कुछ खिलाने के लिए। एक्चुअली उसे ही बेस्ट्रो आना था, वो बहुत दिन से जिद कर रखी थी बेस्ट्रो बेस्ट्रो बेस्ट्रो। सो आज मैं आई हूँ, तो चलिए इंजॉय करते हैं बेस्ट्रो का फूड। तो ये है बेस्ट्रो का इंटीरियर लुक, इसका मैं वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा इसका रिव्यू वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। और ये है पूरा यहाँ बेस्ट्रो का ये इंटीरियर लुक, और यहाँ पे जिनको भी बुक पढ़ना पसंद है तो वो वहाँ पे आराम से आके पढ़ सकते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग खाएंगे मोमो, तो ये मोमो हम लोग खाएंगे क्योंकि अभी सावन आ गया है, तो हम लोग को चिकन कुछ नहीं खाना है, तो हम लोग वेज मोमो ऑर्डर किए हैं, और अभी हम लोग खाएंगे वेज मोमो। चलिए मैं इसको टेस्ट बताती हूँ आपको कैसा है। बेस्ट्रो के फूड का टेस्ट बोले तो अमेजिंग, मुझे स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है बेस्ट्रो का फूड। मैं ऑलरेडी पहले ही जितनी बार आ चुकी हूँ, इधर से क्रॉस करती हूँ, मैं स्पेशली मैं सिर्फ बेस्ट्रो इन करती हूँ कुछ खाने के लिए, कुछ अमेजिंग सा खाने के लिए, और मुझे हर बार कुछ नया चीज़ मैं ट्राई करती हूँ बेस्ट्रो का, और मुझे अमेजिंग लगता है। तो मैं यहाँ का मोमोज ट्राई नहीं की थी, तो मैं यहाँ का वेज स्टीम मोमो ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था, और उसके साथ मैं यहाँ पे माउंटेन ड्यू पी रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक तो मतलब मस्ट है कि हर खाने में मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। तो इसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट फूड ट्राई करेंगे सॉन्ग के साथ, तब तक मैं थोड़ा सा ननकी को खिला देती हूँ क्योंकि उसे खाया नहीं जा रहा था, इतना तो बनता है। तो फिर ठीक है, मैं अपना नेक्स्ट फूड। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड डिश आ गया है रोल, पटैटो चिप्स रोल ऐसे करके कुछ रोल्स था, मुझे याद नहीं है, बट ऐसा कुछ पटैटो रोल था, और ये भी मुझे बहुत अमेजिंग लगा था। मुझे ज़्यादातर एक रोल पसंद है, बस आज मैं कुछ अलग ट्राई कर रही थी, तो अभी मुझे हमारा नॉलेज नहीं खा सकती, क्योंकि मैं पटैटो रोल खा रही थी। स्टफिंग की बात मैं करूँ तो बहुत ही अमेजिंग स्टफिंग था, बिल्कुल भी आप
जिसको टेस्ट बोल सकते हो ना, नॉट गुड नॉट बैड वाला था, एकदम मस्त सा टेस्ट था चटनी के साथ, तो अमेजिंग बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और स्टफिंग में मैं बोल रही थी आलू था, प्याज था, और भी स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत लाइट नहीं था, बट बहुत टेस्टी था। उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड किया गया था, बिल्कुल लाइट लाइट सारे इंग्रेडिएंट को ऐड करके बनाया गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पोटैटो रोल, नाइस। आप लोग आओ तो ज़रूर ट्राई कर लेना, फिर मैं अगर नेक्स्ट टाइम आती हूँ तो कुछ और भी डिश ट्राई करूँगी और उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, अगर मुझे अभी नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ली मेरे चैनल को। और तब तक मैं अपना फूड इंजॉय करती हूँ, आप लोग गाना इंजॉय करिए। वेस्ट तो मुझे मतलब मेरा बहुत फेवरेट जगह है, मुझे यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, बट घर तो जाना है और बारिश भी बाहर कम हो गई है, तो चलिए अब निकलते हैं। मुझे मार्केट में थोड़ा सा और काम है वो कंप्लीट करके देन फिर मैं निकलूँ, चलिए आगे देखते हैं कि मार्केट मुझे और कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या काम है। इतना आप चलिए अभी हम लोग आगे का मार्केटिंग जो भी बाकी है वो सब करते हैं। आज संडे है तो मैं आराम से निकली हूँ, चलिए फिर देखते हैं। आगे क्या पूरा मार्केट खाली है यार, बट संडे में शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है यार, खाली खाली, चलिए फिर। तो ये है संडे का पूरा मार्केट, और यहाँ पे देख सकते हो कल सोमवार है तो उसके लिए यहाँ पे डेक वगैरह लगा के रखा है और बहुत सारे पंडाल वगैरह लगा के कवर ये लोग को रुकने के लिए और उनके केयर के लिए यहाँ पे जगह पे पंडाल लगा हुआ है, और पुलिस वगैरह सारे लोग अभी से ही अलर्ट है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं टोटो पे बैठ गई हूँ और अपने घर के लिए अब निकल चुकी हूँ। मेरा जो भी काम था वो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म हो चुका था, तो मैं निकल चुकी हूँ अपने घर के लिए। तो चलिए फिर घर पहुँच के देन फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइज़, ये था मेरा पूरा संडे का दिन कि मैं कैसे पूरा अपना संडे जो है वो स्पेंड करती हूँ। मैं ज़्यादातर संडे को ही बाहर निकलती हूँ बिकॉज मैं संडे को ही फ्री रहती हूँ, तो मैं ज़्यादातर संडे को ही बाहर निकलती हूँ। तो ये था मेरा पूरा ब्लॉग संडे का, बहुत कुछ शूट नहीं हो पाई है, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी और संडे का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं भूल गई थी शूट करना, सो चलिए अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी हिट जरूर कर ले। सो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।